जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए, परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अपने हृदय में श्री माता जी को निहारेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में, श्री माता जी हम सभी आपके श्री कात्यायनी स्वरूप को हृदय से नमन करते हैं। श्री माता जी हम सभी के हृदय में श्री कात्यायनी रूप में जागृत हो जाइए। श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय में श्री कात्यायनी स्वरूप का आशीर्वाद दीजिए। मंत्र ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कात्यायनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माताची श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त हृदय में, श्री माता जी आप ही तो श्री जगदम्बा भी हैं, कृपा करके हमारे इस हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए।
धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर विशुद्धि पे बाएं विशुद्धि पे अपना संपूर्ण चित्त बाएं विशुद्धि पे श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए श्री माता जी मैं निर्दोष हूँ। श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ। सेंटर विशुद्धि फिर राइट विशुद्धि, राइट विशुद्धि से प्रार्थना, श्री माता जी हमें साक्षी भाव दीजिए। श्री माता जी हमारी वाणी में माधुर्य दीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को फ्रंट आज्ञा पे, फ्रंट आज्ञा पे, बीचों बीच आज्ञा पे, लेफ्ट आज्ञा, राइट आज्ञा, तीनों आज्ञा पे सेंटर बीचों बीच आज्ञा पे प्रार्थना, श्री माता जी हमें क्षमाशील और त्यागी बनाइए। बीचों बीच आज्ञा पे प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर क्षमा का तत्व जागृत कीजिए। ओम हम क्षम, हम क्षम, हम क्षम। फ्रंट आज्ञा से अपने सेंटर हार्ट को जोड़ेंगे। सेंटर हार्ट पे फ्रंट आज्ञा दोनों को एक साथ देखेंगे। सेंटर हार्ट से फ्रंट आ गया, फिर सिर का तालु भाग, सिर के तालु भाग से सेंटर हार्ट को तीनों आज्ञा को देखेंगे। बैक आज्ञा, पूरा चित बैक आज्ञा पे, हे परमात्मा हमारे अपराधों को क्षमा करें। श्री महागणेश मंत्र, ओम त्वमेव साक्षात श्री महागणेश, साक्षात श्री आदि शक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित सिर के तालु भाग पर श्री निर्विचारिता मंत्र, ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्विचारिता, साक्षात श्री आदि शक्ति माताजी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आज पूजा में पधारे हुए सभी भाविकों को और साधकों को हमारा प्रणाम। इस कलयुग में माँ की इतनी सेवा, इतना प्यार और इतना विचार जब मानव हृदय में आ जाता है तो सत्ययुग की शुरुआत हो ही गई। ये परम भाग्य है हमारा भी कि षष्ठी के दिन कलकत्ते में आना हुआ। जैसा कि विधि का लेखा है कि कलकत्ते में षष्ठी ही के दिन आया जाता है। षष्ठी का दिन शाकंभरी देवी का है और उस वक्त सब दूर हरियाली
छानी चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैंने सुना कि बहुत जोर की बाढ़ आई, लोगों को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन देखती हूँ कि हर जगह हरियाली छाई हुई। रास्ते टूट गए थे पर कोई पेड़ टूटा हुआ नजर नहीं। मतलब ये कि सृष्टि जो कार्य करती है उसके पीछे कोई न कोई निहित एक गुप्त सी घटनाएं होती। कलकत्ता का वातावरण अनेक कारणों से प्रक्षुब्ध है और अशुद्ध भी हो गया, इसे हमें समझ लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी। इसीलिए देवी की अवकृपा हुई है, या कहना चाहिए कि सफाई हुई। कलकत्ते में जहाँ की साक्षात देवी का अवतरण हुआ, इनका स्थान यही जो कि सारे विश्व का हृदय चक्र यहीं पे बसा हुआ है, ऐसी जगह हम लोगों ने बहुत ही अधार्मिक कार्यों को महत्व दिया। और सबसे बड़ा अधार्मिक कार्य तांत्रिकों को मानना है। तांत्रिक तो वास्तविक में माही है, क्योंकि सारे तंत्र उसके हाथ में हैं, उसी ने तंत्र बनाए हैं और वही तंत्र की जानकारी जानती है। पर जो तंत्र के नाम पर दुनिया भर का व्यभिचार, अविचार और आचार करते हैं, उन सभी के लिए मेरा ये कहना है कि उन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। सतयुग में ऐसे लोगों पर घोर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, ऐसे लोग बहुत पीड़ित हो। इस कलकत्ते में इतने तांत्रिक लोग हैं और उनसे दीक्षित इतने लोग हैं कि उनसे किस प्रकार कहा जाए कि ये सब गलत चीज़ें हैं, इसे करने से कभी भी लाभ नहीं होगा, ये दुष्टों की चालना है और यही राक्षस हैं जो कि बार बार जन्म लेते हैं, इतने बार हनन होने पर भी ये संसार में आ करके और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं, और वो भी परमात्मा के नाम, देवी के नाम। इस मामले में जो हमारी धारणाएं हैं उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि सहयोग जो है वो सत्य पे खड़ा है, असत्य पे नहीं। और जो सत्य है वो हमें आपको बताना ही है। अगर आप ज्वाला की ओर दौड़ रहे हैं, अपने को भस्म कर रहे हैं, तो हमें साफ शब्दों में आपसे बताना है कि ये गलत काम है, उधर नहीं जाना। और इसीलिए मैं बड़ी व्यग्र हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि किस तरह से समझाया जाए कि इन लोगों से शापित इस भूमि को अगर आपको वाकई में उठाना है तो ज़रूरी है कि पहले इन लोगों की ओर न मुड़े। ऐसा लगता है कि त्राही त्राही होकर के लोग सोचते हैं कि यही कुछ लोग फायदा कर देंगे, लेकिन ये फायदे से कहीं अधिक ज़्यादा आपका नुकसान करते हैं। इनको तो जहर समझ करके दूर रखना चाहिए। जब तक आप ये कार्य यहाँ पर जोरों में शुरू नहीं करिएगा और एक एक का भांडा नहीं फोड़िएगा, तब तक ये भूमि शापित रहेगी। मैं इस भूमि पर अनेक बार आई हूँ, लेकिन इस जन्म में जब मैं आई तो देखती हूँ कि धीरे धीरे ये भूमि नष्ट हो जा रही। इतनी बड़ी ऊंची साधना प्राप्त की हुई ये भूमि, जहाँ की गंगा भी बह करके पसातल पे जा करके, और जिन्होंने भगीरथ के प्रयत्न से उनके इतने पूर्वजों को शाप विमुक्त किया, इस भूमि की धूली को ले जा करके वो ये कार्य कर सकें, उस पुण्य भूमि पर इस तरह के अपुण्य के कार्य बहुत हो रहे हैं। ये हम लोगों को जान लेना चाहिए कि इन्हीं अत्यंत सूक्ष्म
ऐसी बातों से ये हमारा बंग देश इस तरह से आहत हो गया। जब मैं सुनती थी यहाँ पर बहुत से राजकारण और राजकीय दौर पड़ रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य में बहुत सा झगड़ा खड़ा हो गया है, आपस में गला काट रहे हैं, इसको उसको मार पीट रहे हैं, कोई समाधान नहीं है, हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो आप इसे बाह्य से देखते हैं, इसका मूल कारण ये तांत्रिक है, ये स्मशान विद्या, प्रेत विद्या आदि अत्यंत हानिकारक विद्या से अपने को बहुत होशियार समझते हैं और सबको बेवकूफ़ बना करके, उल्लू बना करके, उनसे रुपया पैसा ले करके उनमें ये दुष्ट बाधाएं डाल दे। उस बाधा के कारण मनुष्य एक संभ्रांत स्थिति में पड़ जाता है और उस स्थिति से वो उलझता हुआ पूर्णतया भ्रांति में हो जाता है। उस भ्रांति में वो समझ नहीं पाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। ऐसी दशा में इन लोगों के बारे में अगर मैं साफ साफ तौर से आपसे नहीं कहूँगी तो आपका बचाव कैसे होगा। बहुत से लोग मुझे सलाह देते हैं कि माँ आपको इतना साफ कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर माँ नहीं कहेगी तो कौन आपको बताए। माँ को ये बात ज़रूरी बता दें। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी माँ कहेगी कि अच्छा जाकर बेटा तू सांप के मुंह में हाथ डाल दे। किसी की भी ऐसी माँ इस भारतवर्ष में है जो कहेगी अच्छा ठीक है ये सांप है उसके मुंह में हाथ डाल। जिनको इलेक्शन लड़ना है या कुछ पाना है वो इस तरह की बातें करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो समझौता करेंगे, लेकिन एक माँ जो अपने बच्चों से नितांत प्रेम करती है वो कभी भी ऐसी बातें नहीं कह सकती जो बातें अपने बच्चों के लिए हानिकारक, और उसे किसी का डर भी नहीं है। ये लोग कर भी क्या सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि जो भूले भटके हमारे बच्चे हैं उनको पकड़ करके उनको सता। उसी प्रकार अनेक दुष्ट गुरु लोगों ने इस कलयुग में जन्म लिया है। ये भी पूर्व जन्म के महिषासुर, नरकासुर और सारे चंड मुंड जिन जिन का आप नाम ले रहे हैं उनसे भी अधिक मात्रा में सबके सब पैदा हुए। इनमें से 16 महामुख्य राक्षस लोग इस संसार में आए, रावण का भी आगमन हो चुका, सारे ही लोग स्टेज पर आ चुके। अब इनको मारा कैसा जाए, इनका कर्दन काल तो आ गया लेकिन मारा कैसा जाए, हाथ में तलवार लेकर काट तो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन वो जनसाधारण के हृदय में घुस गए, उनके मस्तिष्क में घुस गए, उसके अंदर जमा होकर के बैठे हुए हैं, उनको ये लोग गुरु मानते हैं, तो मैं क्या करूँ, क्या मैं अपने बच्चों की भी गर्दनें काट दूँ इनके साथ। तो बेहतर यह है इन्हीं को जनता से ही एक दिन हार खानी पड़ेगी, यही पूरी तरह से सबके सामने स्पष्ट हो करके इनका स्पष्टीकरण होगा, एक्सपोजर होगा, और लोग देख करके समझ लेंगे कि जो माँ इनके बारे में कहती थी एक एक बात सही है। जर्मनी में एक साहब ने गुरुओं के खिलाफ लिखा कि ये ऐसी कोई चीज़ है कि इसमें एक गुरु को मानते हैं और फिर दुनिया में कोई चीज़ को नहीं मानते। अब वो आधे अधूरे लोग हैं, वो नहीं जानते कि हमारे देश में अनेक वर्षों से, अनंत काल से गुरुओं के बारे में बताया गया है कि एक तो होते हैं सद्गुरु जो कि आपको परमात्मा से मिला, सद्गुरु वो ही जो साहिब मिले, जो आपको परमात्मा से मिलाता है वो सद्गुरु, फिर गुरु जो कि परमात्मा के बारे में बातचीत करके आप में धर्म बिठाता है, फिर अगुरु
जिनमें गुरुत्व नहीं है, जो आत्म साक्षात्कारी भी नहीं है, तो भी वो अपने को गुरु समझ करके और लोगों को बातें बताते हैं और पैसा ऐसा भी लेते होंगे। जैसे हमारे पादरी साहब हैं, समझ लीजिए, या पोप साहब हैं, ये लोग अगुरु हैं, इनमें कोई भी, इनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है, इनमें कोई विशेषता नहीं है, और धर्म के नाम पे चर्चा कर। ऐसे अपने देश में बहुत से लोग हैं, अधिकतर अपने सारे शंकराचार्य ऐसे ही। एक शंकराचार्य कांची के जो पुराने छोड़ करके सब शंकराचार्य बिल्कुल अगुरु हैं, उनकी कुंडलिनी तो नीचे में बैठी हुई है, और जिनकी कुंडलिनी भी नहीं चढ़ी हुई उनको हम लोग गुरु मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? इनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन हो सकता है गुरु का, परमात्मा से ये आनी चाहिए ना चीज, समझने की बात है, ये तो चीज परमात्मा से आनी चाहिए। फिर उसके बाद में होते हैं जिनको कहा जाता है कुगुरु, वो लोग होते हैं जो ये तांत्रिक आंत्रिक जो राक्षसी प्रवृत्ति के अत्यंत दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, वो अपने को गुरु मान लेते हैं। और ऐसे बहुत से गुरु जिन्हें कि हम अत्यंत दुष्ट दुराचारी इस तरह के लोग आज गुरु बन के बैठे। और इस बांग्लादेश में तो सब के सब आके न जाने कैसे, जैसे गंगा जी सब हिमालय से अपनी जड़ी बूटियां लेकर यहाँ पहुंची हुई है, ऐसे ये न जाने कहाँ से सब मिलजुल करके बंगाल पे आकर बैठ गए। और बांग्लादेश को पूरी तरह से गरीब बना दिया, इनको लूट लिया। इस शस्य श्यामला भूमि में उन्होंने जो जो हरकतें की हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि सूक्ष्म में आप देख नहीं सकते। आप सोचते हैं नक्सलाइट ने ये किया और कम्युनिस्टों ने ये किया और कांग्रेस वालों ने ये किया और अमके नेते ये किया, इन लोगों का किसी का दोष नहीं। ये वातावरण जो खराब हो गया है, वो वातावरण खराब करने वाले ये तांत्रिक, ये दुष्ट आदमी है। और उनसे भी बढ़ के जो महा दुष्ट राक्षस, जिनका वर्णन है कि देवी ने जिनको मार डाला, वो भी यहाँ पूजे जाते। महिषासुर अभी तक जिंदा बैठा हुआ, और महिषासुर को भी यहाँ बहुत पूजा गया। जिसको देवी ने यहाँ मारा, उसी महिषासुर को आपने पूजा है। नरकासुर को भी इतना पूजा है, उसको करोड़ों रुपया आपने दे दिए, उसके पास न जाने कितने तरह के रत्न है, कितने हीरक और हीरे भरे हुए हैं। ऐसे महादुष्ट लोगों को आपने पोसा हुआ है, तो आप लोग तो गरीब हो ही जाएंगे। ये तो पूरा यही हुआ कि आ बैल मुझको मार, और आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते कि ये लोग कितने दुष्ट। आज पूजा के समय में एक माँ को चाहिए कि बताया जाए, पूजा के लिए सबसे पहले जाना जाए कि आप ही अपने गुरु हैं, और किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं। हम तो कोई गुरु गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु अगर होते तो आप लोग परेशान हो जाते। लेकिन माँ से बढ़ के गुरु कौन है? माँ तो सब गुरुओं की भी माँ है, और आप चाहें तो हमारे चरणों में बैठे, चाहे हमारे गोद में बैठे, चाहे हमारे सर पे बैठे, हमारे आप बच्चे हैं, बात और है। तो भी ये बात कभी भी नहीं मानी जाएगी कि कोई राक्षस, या इसे हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव पर्सनालिटी, वो आकर के आप पे छा जाए। ऐसा अगर घटित हुआ तो फौरन हम आपको बताएंगे ये चीज आप छोड़ दीजिए, इसके लिए आपको बुरा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हम माँ हैं। आपको मोक्ष देना तो हमारा स्वभाव है, उसमें कोई विशेष बात, लेकिन आपको किसी तरह का हम दुख नहीं देना चाहते। किंतु अगर आपको सत्य न बताया जाए तो आगे चल के तो आप दुखी पाइएगा, और सत्य शुरू में प्रिय नहीं लगता,
इसीलिए कृष्ण ने कहा है कि सत्यम वदेत, हितम वदेत, प्रियम वदेत। जो आपके हित में है सो हमें आपको बताना ही है, क्योंकि आप हमारे अपने, हमारे नीच के हैं। थोड़ी देर हो सकता है आप मुझसे नाराज हो जाएं, कोई हर्ज नहीं, आप बच तो जाएंगे, आपके दिमाग में बात तो बैठेगी। इस देश का नाश जो हुआ है वो इसी वजह से, और इतने प्रचुर मात्रा में आपको दिखाई देते हैं कि आश्चर्य की बात है कि अभी तक ये लोग कैसे यहाँ जीवित बैठे हुए हैं। इनके भी इलाज हो जाए, लेकिन पहले आप लोग इनके चक्करों से निकलिए, नहीं तो मेरा हाथ रुक जाता। इनके सबके इलाज एक साथ हो सकते हैं, लेकिन आप लोग मेरे लिए एक बंधन बन जाते। इस प्यार और मोह के वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि कृपया इन लोगों से अपना संबंध पूरा तोड़ दें, और कोई भी तरह की इनकी वस्तु, इनका चित्र, इनका दिया हुआ प्रसाद जो सब विषमय है उसे छोड़ दें। आज पूजा से पहले क्या कहा जाए, इतना हृदय गदगद है, इतनी सुंदर रचनाएं, इतना सुंदर आवाहन, इतना सुंदर स्वागत आप सबने अपने हृदय से किया, हृदय एकदम गदगद हो। सब कहते हैं कि माँ प्रसन्न है, लेकिन न जाने क्यों आंखों में इतने आंसू भराए हैं और गला भी भराता है। सोच सोच के इतने मेरे प्यारे बच्चे यहाँ रहते हैं, आपकी सारी विपदा खत्म हो सकती, आपकी सब तकलीफें बिल्कुल मिट सकती हैं, क्योंकि परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं और उनसे प्रेम करने वाला भी कोई। अत्यंत प्रेमी और शक्तिशाली ऐसे परमात्मा आपके अपने होते हुए आपको किसी चीज की क्या जरूरत है या किसी चीज का क्या डर है? बस एक ही बात में हार जाते हैं कि आपको स्वतंत्रता है। आपकी स्वतंत्रता हम छीन नहीं सकते, क्योंकि आपको परम स्वतंत्रता जब देने की बात होती है तो इस स्वतंत्रता का पूरी तरह से आदर किया जाता है, पर उस आदर में ही मनुष्य खो जाता है, मनुष्य बहक जाता है और ऐसे लोगों के पास चला जाता है जो आपके जीवन के दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं। अनेक हजार वर्षों से इन दुष्टों ने इन भक्तों को सताया हुआ है और आज भी सता रहे, लेकिन वो ऐसा सोंग बना के आए हैं और ऐसी खूबी से आए हैं कि आप उसे पहचान नहीं पाते। सीता जी को भी रावण ने भेष बदल करके भूल में डाल दिया था, तो आप तो मानव जाति हैं, आपको वो अगर भूल में डालते हैं तो इसमें आपका दोष है। पर पार होने के बाद, रियलाइजेशन के बाद आपको अपने पांव पर खड़ा हो जाना चाहिए और इन सब चीज़ों को छोड़कर, झाड़ झूड़ करके एकदम स्वच्छ हो जाना चाहिए। आपकी कोई सी भी परेशानी टिक नहीं पाई। प्यार की शक्ति सबसे महान है, इसको आज तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, ये आप जान लीजिए, और जिस दिन आप इसको समझ लेंगे कि इस प्यार की शक्ति से आप लाभित हैं और आप जब इसका उपयोग करेंगे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि लगेगा जैसे सारे तारांगण आपके पैर पे लोट खा रहे हैं, सारी शक्तियाँ आपके चारों तरफ हैं, सारे गण आपको संभाल रहे हैं, सारे देवदूत आप पे पुष्प की वर्षा कर। आप ही आज इस रंगमंच पे, स्टेज पर आए, आपके लिए सारी सृष्टि बनाई गई है और उस सृष्टि के सर्वोच्च लोग आप ही हैं, और किसके लिए परमात्मा ने सृष्टि बनाई। लेकिन जो जो गलत काम हो चुके, जो जो गलत बातें हो गई,
वो सब भूल करके आज वर्तमान काल में खड़ा होना है, इस प्रेजेंट में खड़ा होकर के और उस आनंद का भोग लेना है, उस अमृत का भोग लेना है जो आपके लिए लालायित है। स्वयं साक्षात परमेश्वर चाहता है कि आप उसके दरबार में आए और अपने अपने स्थान पे आसन हो और वो आपको यथोचित आपका आदर करके आपको हर तरह का आनंद प्रदान करे। एक बाप यही चाहेगा और वही वो चाहते हैं और पूर्णतया वो आपके साथ। आज यहाँ जो हरियाली देख रहे हैं हम, बड़ा सुंदर सा रचाया हुआ बाग है, ऐसा ही परमात्मा का बाग है समझ लीजिए, और उसमें हर तरह के फूल, हर तरह का आनंद, प्रमोद मोद सब कुछ भरा हुआ है। बस उसमें बैठने की आपकी क्षमता चाहिए और उसके आनंद भोगने की गहराई, इतनी होते हुए सब ठीक हो जाता है। यहाँ के लायन क्लब के लिए क्या कहा जाए, मेरे ख्याल से जन्म जन्मांतर का संबंध सिंह से रहा है और सिंह पे ही इतना काम किया गया है, इसीलिए लायन क्लब से मेरा इतना संबंध जुड़ गया। आपका ये बड़ा ही सुंदर उद्यान है और इस वाटिका को भी और भी बहुत सुंदर आप बना सकते हैं। एक बार एक अमेरिकन औरत से मुझसे पूछा था कि आपके यहाँ कोई फूल नज़र नहीं आते। मैंने कहा हमारे देश के फूल बहुत छोटे छोटे होते हैं पर अत्यंत सुगंधमय होते, वो बहुत ज़्यादा दर्शनीय नहीं होते, शोई नहीं होते जैसे आपके फूल होते हैं। हर फूल में चमत्कार और मंत्र। और उन्होंने कहा अच्छा फिर बताइए कि आपके यहाँ इतने तरह के फूल होते हैं। वहीं बैठे बैठे मैंने उनको 40 फूल बता दिए और हर फूल में अत्यंत सुगंध है। अब मैं देखती हूँ यहाँ भी आपको चाहिए कि ऐसे ऐसे फूल, जैसे कि चमेली है, चंपा है और पारिजातक है, इसका वर्णन आपको देवी महात्म्य में मिलता है। अनेक तरह के ऐसे सुंदर सुंदर फूल हैं, प्राजक्त के फूल हैं, अनंत के फूल हैं, अपने देश में ऐसे अनेक फूल हैं और जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं बढ़ जाती हैं और सवेरे सवेरे देखिए तो सब दूर आंगन में वो छाए रहते हैं। आपने जिसे हम लोग बकुल कहते हैं और यूपी में उसे मौलसरी कहते हैं, उसका भी पेड़ बहुत सुंदर है। जासवंदी के अनेक तरह तरह के सुगंधमय पेड़ आप लगा सकते हैं। जापान में एक स्त्री से मैंने कहा कि आपके बाग बहुत सुंदर है, मुझे बड़े पसंद। कहले सुंदर तो है लेकिन आर्टिफिशियल है, नैसर्गिक नहीं है। और इंडियन किसी भी बाग में जाए तो बड़ी सुगंध रहती है और सुगंध अपने देश की विशेषता, इस मिट्टी की विशेषता। आपको आश्चर्य होगा हम लोग इसे समझ नहीं पाते कि खस में भी इतनी सुगंध है और हर चीज़ में इतनी सुगंध है। हम लोगों को पता नहीं कि बाहर के देशों में आप मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकते, अगर डाल दीजिए तो हाथ में फोड़े आ जाएंगे, ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो है वहाँ के पाप से तप्त हो, तप्त होने के कारण वहाँ चूना है। आप कहीं हाथ नहीं डाल सकते, जब तक आप ग्लव्स ना पहनिए आप मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकते। लंदन में तो मैंने पहले सोचा था कि मैं वहाँ बाग करूँगी, शाकंभरी का मुझे शौक़ है तो वो मैं चाह रही थी वहाँ भी बाग किया जाए, लेकिन जब देखा कि वहाँ की मिट्टी ऐसी है मैंने कहा छोड़ दिया, मेरा तो शौक ही वहाँ छूट गया। मैंने कहा बाबा अपने हिंदुस्तान में जाके सारा काम करेंगे, ये तो ज़मीन कुछ और ही है। इस ज़मीन पर आप खड़े हुए हैं जिसकी एक एक कण कण से इतना सुंदर सुगंध बहता है, जब ज़रा सी बरसात हो जाती तो कितना सुंदर सुगंध इस सुंदर भूमि से आता है। और आप लोग भी कुछ ना कुछ पूर्व पुण्याय से इस देश में पैदा हुए और इस देश में बसे हुए, सिर्फ इस पुण्याय को पूरी तरह से प्रकाशित करना है, प्रकटित करना है, जो आप सहयोग से बहुत आसानी से कर सकते। रही बात हमारी तो हम तो आते जाते रहते ही हैं, हर जगह आते जाते हैं, लेकिन बंगाल से हमारा प्रेम बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, अनेक वर्षों की बातें हैं जो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं कुछ जानते नहीं। बड़ी कठिन बातें हुई हैं, बहुत तकलीफ़ें उठाई और इसको
इतना समृद्ध किया और इतना इसका सुंदर वन बनाया, और उसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ पर इतनी गरीबी, इतनी परेशानी, इतनी आफत। जहाँ पर ये भूत विद्या होगी, जहाँ जहाँ पर ये भूत विद्या होगी, वहाँ वहाँ गरीबी रहेगी। अब आप कहें कि यहाँ टाइफून आते हैं और आप लोग उसे नष्ट हो जाते। अब आपको मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक बार त्रिचूर गई, वहाँ पर बहुत से लोग मुझे लेने आए, वहाँ बहुत रईस लोग रहते हैं, मोटरे वोटरे लेके आए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब मेरे पास किस लिए आए। पता हुआ कि ये लोग वहाँ तंबाकू की खेती करते हैं। उनके घर में सब इंग्लिश टाइल्स लगी हुई, सब इंग्लिश बाथ लगे हुए, सब ये लोग इंग्लैंड तंबाकू बेचते हैं और वहाँ से सब इंग्लैंड से चीज़ें इम्पोर्ट कर करके अपने घर में बड़ी शान से लगाए हुए। अब भाई हम तो ज़रा साफ कहना ही पड़ता है, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो। तो हमने कहा भाई आप लोग मोटरे वोटरे लेके आए, हमें कहना नहीं चाहिए, अतिथि रूप से तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम मां स्वरूप होकर के आपसे कहते हैं कि आप ये तंबाकू लगाना बंद, ये गलत था। तो उन्होंने कहा वाह माँ हम तंबाकू के अलावा क्या लगाएं। तो हमने कहा आप कपास लगाइए, बढ़िया कपास यहाँ होगा, तंबाकू मत लगाइए, तंबाकू राक्षसी है, इसको मत लगाइए। तो कहने लगे कि नहीं पर हम थोड़ी पीते हैं, ये तो हम इंग्लैंड बेचते हैं। मैंने कहा वाह अगर इंग्लैंड बेचते तो कोई पाप नहीं। कहने उन्होंने अपने को इतना सताया, पीने दो तंबाकू, मरने दो उनको। तो मैंने कहा ये कोई तरीका हुआ, ये कोई साधु संतों का तरीका हुआ कि उनको मरने दो, उन्होंने अपने को इतना सताया। जिन्होंने सताया तो कब के मर गए, तो दूसरे आए हुए, उनको सताने से क्या फायदा। लेकिन वो किसी तरह से नहीं माने। लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं इसको बंद करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं, तो वो लोग बहुत नाराज हो गए। उसके बाद हम इधर उधर देखने गए तो देखा कि बड़ी गरीबी, एक तरफ बहुत अमीर लोग और एक तरफ बहुत ही गरीब लोग, बंगाल से भी गरीब लोग पेड़ पे रहते। भाई ये कैसे कह ले, ये लोग हैं ये बड़ी प्रेत विद्या करते हैं, स्मशान विद्या करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं। मैंने कहा पैसा क्या कमाते हो, तो पेड़ पे रहते हैं, उनकी हालत तो ये। उसके बाद मैंने उनसे एक बात कही, इशारा, देखिए आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, संभल के रहिए, समुद्र आपका पिता है और जो पिता है वो अत्यंत पवित्र है, उसके किनारे बैठ करके आप ये गड़बड़ काम मत करिए, अगर ये बिगड़ गया तो आप सबका सर्वनाश होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता। मैंने कहा हो जाएगा, देख लीजिए, एक तो हमने आपको चेतावनी अब दे दी, अब चेतावनी के बाद फिर अगर गड़बड़ हुई है तो फिर हमसे न कहना। उसी साल वहाँ पर एक बहुत बड़ा इसी तरह का एक टाइफून का नाना आया और वो सबको लटका गया, सब लोग पेड़ पे लटक गए, हजारों लोग मत। उसके बाद सब जब मैं दिल्ली आई तो सब मोटरे लेके दिल्ली पहुंची कि माँ हमको माफ़ कर दो। हमने कहा बेटा आप क्या माफ़ करने का, जो था सो तो गया, ये तो गड़बड़ तुमने काम करा, मैंने तुमको चेतावनी दी। यही मैं कह रही हूँ, ये चेतावनी आ रही है आपके पास, ये गलत लोगों को यहाँ से हटाइए। और वहाँ के जो गरीब लोग जो ये करते थे प्रेत विद्या, स्मशान विद्या आदि, वो सब के सब पेड़ में लटके हुए नजर आए। तो जिस वक्त ये काली विद्याएं और इस तरह की चीजें चलती हैं तो वो सकिंग कर लेती, वो अंदर अपने अंदर खींच लेती हैं इस तरह के आतंक को, जो बाहर से आ करके सब दूर नष्ट भ्रष्ट कर देता है। हालांकि हमारे आने से पहले अधिकतर ऐसा होता है, इंग्लैंड में भी हमने देखा, जहाँ भी हम जाते हैं तो बड़ी बिजली कड़कती है और बहुत बरसात होती है, सब एकदम साफ धुल जाता है तो हम पहुँचते हैं। लेकिन तो भी लोगों की समझ में नहीं आता है कि हमें अपनी सफाई खुद ही करना चाहिए, क्यों सृष्टि से कहा जाए। कभी कभी वो भी ऐसा हो जाता है कि उसमें बहुत कुछ नष्ट भी हो सकता है। इसलिए अगर आप ही सत्य को मान लें और स्वीकार कर लें और अपने को सत्य के रास्ते पर सफाई पर ले आए, तो सत्य कहीं और से आप पर प्रकट हो तो बड़ा भयंकर होता है, बहुत जोरों में उठता है वो, और उसकी जो
चाल होती है उसके अंदर बहुत से अनाथ, दुखी, बेसहाय और बेगुनाह लोग भी मारे जाए। इसलिए बेहतर है कि इंसान ही सत्य पे आ जाए और इंसान ही अपने को साफ कर ले, न कि सारी सृष्टि, चराचर सृष्टि में ये बात फैल जाए कि चलो अब कलकत्ते को ठिकाना लगाना तो यहाँ 8-10 को मारो, और उसका कोई फायदा तो होता नहीं, कोई इसको समझता भी नहीं, कोई इस भाषा को इनकी समझता नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि हम तो रोज देवी के मंदिर जाते हैं, फिर ये प्रकोप क्यों हो गया। उस देवी के मंदिर में भी वहां बैठे हुए हैं राक्षस, बिल्कुल उनके सामने बैठे हुए, बड़ी हिम्मत करके बैठे हुए हैं। हालांकि जिस वक्त देवी जागृत होंगी तो पता चलेगा एक एक का ठिकाना हो जाएगा। एक बार गंगा जी में जागृति आई थी तो सब जितने भी ऐसे पंडे वंडे लोग थे सब अपनी खटिया उठा करके सामान लेके भाग रहे थे। मैंने देखा था टीवी में, मैंने कहा अच्छा हुआ गंगा जी ने ठिकाने लगा दिया सबको। जितने भी हरिद्वार से लेकर के पटने तक जितने भी लोग थे सब अपने झोले उठा करके भाग रहे, लेकिन तो भी मनुष्य सीखता नहीं है। अगर उस पे निसर्ग से कोई उपचार हो तो सीखता नहीं है, सिर्फ वो सीखता है अपनी आत्मा से। इसलिए आप सहजोग को प्राप्त हो, कोई सी भी ऐसी बीमारी नहीं जो सहजोग ठीक नहीं कर सके, कोई सी भी ऐसी विपत्ति नहीं जो दूर नहीं हो सकती, हर तरह की मुश्किलें दूर हो सकती, लेकिन पाने के बाद श्रद्धा होनी चाहिए। जो अंधी श्रद्धा नहीं है, देखी हुई बात है, आपने पाया है, आप अपने में विराजमान होइए, आप स्वयं अपने सिंहासन पर बैठिए, आपने पा लिया है, आप क्यों अब भी भिखारी जैसे बैठे हैं। आप आराम से समझ लीजिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं और उसके सिंहासन पर बैठिए और उसके आशीर्वाद से पूरी तरह से बेफिक्र होकर के अपनी जिंदगी का सबसे अत्युत्तम जो कुछ भी है उसे पाई। उसमें ये नहीं मैं कहती कि कोई आप सन्यासी भाव से बैठेंगे या कोई आपका सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी उपभोग शक्ति जो है वो बढ़ जाती। जैसे कि अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ एक बहुत सुंदर सा एक चर्म बिछा हुआ है और ये चित्ते का बना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसने मारा है, किसका बनाया है, क्या है क्या नहीं, लेकिन हम इसको देखते ही साथ ये विचार हो गए, हम कुछ सोचते नहीं, हम तो वो देख रहे हैं इसके बनाने वाले की करामात की क्या कमाल की चीज बनाई है, और ना सोचते ना कुछ नहीं, सारा आनंद जो ऊपर से नीचे तक दौड़ा चले। तो हम तो भोगता हुए असली ये सुंदर सा बना हुआ है सब कुछ, कुछ इसके बारे में सोचते नहीं है, बस इसे देख भर रहे हैं और देखते हुए इसका बनाया हुआ जो आनंद है, जिन आर्टिस्ट ने इसको अपने हाथ से बनाया, वो सारा ही आनंद हमारे अंदर झरा चला जाए। उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं जाना, बस ये बनाने वाले की जो सूक्ष्म शक्ति है जिससे ये आनंद उसने इसमें डाला है, वो सारा ही आनंद हम अपने अंदर ले रहे। तो भोक्ता आप बन जाए, सब चीजों का भोग आप ले सकते हैं। अभी तक जो भी प्रॉपर्टी है तो भी हाय तो बाय, जो भी सामान है तो भी हाय तो बाय, इंश्योरेंस में लिखाया, इधर लिखाया, उसके पास लिखाया, बिल बनाया, और क्या क्या दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं, और एक परेशानी की चोर न ले जाए न कुछ हो जाए। हम तो किसी के भी नाम कोई चीज हो, अब ये लायन क्लब के नाम है समझ लीजिए, लेकिन हम तो इसको पूरी तरह से भोग रहे हैं। चाहे आपके नाम से हो चाहे किसी के नाम से हो, भोगने का काम तो हमारा है, हम इसे पूरी तरह से भोग रहे हैं। इसी प्रकार आपको भी भोगने की शक्ति अपनी बढ़ानी चाहिए। इसमें छोड़ने छाड़ने का क्या है, जब किसी चीज को पकड़ा ही नहीं तो किस चीज को छोड़ना है और किस चीज का संन्यास लेना। थोड़ी बात बढ़ती है लेकिन कहना पड़ेगा, क्योंकि आप सहयोगी हैं, आपसे ही ये बात कही जाएगी। अगर ये बात मैं अगर जनरल पब्लिक में कहूँ तो 50% लोग उठ करके भाग जाएंगे। दूसरी बात ये कहने कि आपको सब चीज भोगना है, लेकिन उससे भी आगे मैं ये बात कहूंगी कि सिर्फ आपको भोगना ही नहीं, लेकिन आपको इसी जिंदगी में यहीं पर मजे से जम के रहना है, कहीं भागना नहीं है।
कोई पलायनवाद नहीं कि आप गेरुआ वस्त्र पहन करके घर आए तो आपके वाइब्रेशंस गए। रावण भी तो आया था गेरुआ वस्त्र पहन करके, विशेषकर गेरुआ वस्त्र से मुझे बड़ी चिढ़। काहे को संन्यास ले रहे, क्या तो आपकी माँ नहीं भय? आपकी माँ सामने बैठी हुई, आपको क्या मजाल है कि आप संन्यास ले लेंगे? इससे बढ़ के लिए माँ के लिए और क्या दुखी बात होगी? अगर किसी माँ को दुख देना तो आप कहेंगे माँ कल से मैं संन्यास ले रहा हूँ, वो कहें बेटा तेरे को जो चाहिए सो ले ले, माफ कर। ये समझ लीजिए कि मैं आपकी माँ हूँ, और माँ को सुख काहे से होता वो भी समझ लेना चाहिए, और दुख काहे से होता। अब दूसरी जो बात है, ये उपास करने की बीमारी जो हमारे अंदर बना दी है, ये बिल्कुल गलत बात है कि आज शनिवार तो उपवास, कल रविवार तो उपवास, किस दिन आप खाना खाते हैं भगवान जाने। अगर आपको ऐसे उपवास का शौक है तो करिए। भगवान कहता अच्छा चलो, हिंदुस्तानियों को बड़ा उपवास का शौक है, तो उपवास ही में मार डालता है, क्योंकि आपको शौक है तो वही करिए। लेकिन अगर माँ को दुख देना है तो लड़का कहता है कि माँ मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, हो गया माँ का तो सारा दिन खराब गया। बच्चे ने कह दिया कि खाना नहीं खाऊंगा तो बड़ी बुरी बात, उसके तो प्राण निकल गए, अरे बाप रे आज कैसे होगा, मेरी जान गई, अब तो मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। सारे दिन वो टेक लगा के बैठेगी कि अरे मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, सारी दुनिया को बताएगी, पेड़ को बताएगी, पत्तों को बताएगी, सबको बताएगी मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। और इस देश में मैं देखती हूँ जो देखो वही उपवास करता है, तो मैं तो समझ मेरे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे समझाऊँ, बाबा क्यों ऐसा कर रहे हो, आराम से खाओ आराम से पियो। लेकिन पीने का मतलब गलत नहीं लेना चाहिए। जो चेतना के विरोध में बात जाती है वो नहीं कर, ये सब इसलिए बनाया गया है कि आप तो भूखे रहो और जो पैसा बचे सो मेरी जेब में। तो उपास सहयोग में मना है, ऐसे ठीक है आपका मन है अपनी तंदुरुस्ती के लिए, कभी खाना नहीं खाना तो नहीं खाओ, और कभी खाना खाना है तो खाओ। जैसे आपको कभी कहीं जाना हो किसी के घर और आपको नहीं मन कर रहा उसके घर खाना खाना, तो आप कह दीजिए मुझे उपास है, तो ठीक है वो छोड़ देते हैं आपको। फिर इस तरह से आप उपास करें तो हर नहीं, मतलब उपास आप अपने लिए करिए, ये नहीं कि उपास के लिए आप जी रहे हैं। सब चीज़ आपके हाथ में है, जब चाहे उपास करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, कौन कहने वाला है ये टाइम ऐसा है वो टाइम ऐसा है। हम तो मस्ती में बैठे हुए हैं, कोई कहेगा कि अभी खाओ तो हाँ खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, क्योंकि खाने की तरफ चित्त ही नहीं होना चाहिए। अब अगर आप पूछें कि क्या खाया तो मुझे सोचना पड़ेगा क्या खाया कि नहीं खाया। खाने की तरफ चित्त होने से ही आदमी उपास करता है, अगर उधर चित्त नहीं हो तो उपास नहीं करेगा, क्योंकि तो वो बहुत बार उपास भी कर जाता है उसको पता ही नहीं चलता उसने उपास क्या की खाया, सिर्फ अपना चित्त जो है खाने में से निकाल लेना चाहिए। क्योंकि हमारे भारतीय लोगों में एक बात है, खाने में बड़ा चित्त, बीबी भी बड़ी होशियार है, यहाँ की स्त्रियों को बड़ी अकल है, वो कहती चलो इनको ऐसा खाना बना के खिलाओ कि ये हमारे चंगुल में फंसे रहे। कहीं भी जाएंगे दौड़ के घर आ जाएंगे, क्योंकि खाना बनाना हिंदुस्तानियों को नहीं आता, आदमियों को तो, औरतों ने उनको ऐसा बना दिया कि वो खाना तो बना नहीं सकते, और बीबी क्या बना रही इधर ध्यान, तो बीबी इसी पर आपको पटा ले। और इसीलिए चित्त हमारा ज़्यादा खाने पे रहता है, पर और लोगों में ऐसा नहीं, जैसे जापानीज लोग हैं वो देखेंगे कि वस्तु कैसी बनी है, सुंदर है या नहीं, इसमें रूप है या नहीं, खाने पे वो चित्त नहीं रखते। लेकिन हमारा हिंदुस्तानियों का मुख्य धर्म है खाना, कि कौन सा खाना बना है आज घर में, या किसी ने कहा भाई मेरे घर ये अच्छा खाना बनता तो पहुंच गए वहां सारे मंडली सीधे, गांव भर को पता हो जाता है कि आज कहीं खाना बन रहा है, सब मंडली पहुंच गई खाने की।
और खाने की वजह से प्यार भी औरतें बहुत प्रकट करती। ऐसी हमारी ग्रैंड डॉटर से एक दिन मैंने पूछा भाई तुम क्या करना चाहती हो, तो वो मुझसे कह लगे मैं एयर होस्टेस होना चाहती हूँ और या तो मैं नर्स होना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? कह ले नानी इन्हीं दो प्रोफेशन में ऐसा होता है कि आप लोगों को खाना दे सकते। तो औरतों को बड़ा शौक है यहाँ की, ये कमाल है और कहीं नहीं सर, कहीं नहीं है। आप लंदन में जाइएगा तो 3 दिन में आपका आधा वजन हो जाएगा, वहाँ तो सब बॉयल्ड ही औरतें खाना देती हैं। तो हिंदुस्तान की औरतों में ये भी एक खूबी है कि वो उनको बड़ा शौक है ये बना के खिलाएं। मेरे साथ बड़ा अत्याचार होता है, माँ मैं आपके लिए स्पेशली बना के लाई हूँ रबड़ी, मैं रबड़ी खाती नहीं बाबा। तो खाने पीने में हमारा चित्त जो है उसमें भी एक सुंदरता है, लेकिन मैं कह ये रही हूँ कि उससे चित ही हटा लेना, चित हटा ले। तो आदमी उस सूक्ष्म में उतर सकता है, जैसे कि शबरी के बेर श्री राम ने इतने शौक से खाया, उसकी जो सूक्ष्मता थी वो श्री राम ने कैसी पकड़ी, क्योंकि उसके अंदर वो उन्होंने उसका प्यार, उसकी नितांतता, उसका आदर, उसका विचार सब देख करके इतने शौक से उठाए। यही बात हमारे अंदर अगर आ जाए कि हम खाने की ओर चित्त न दे करके और उसके पीछे जो भावना है उसकी ओर ध्यान दें, तो हम सहयोगी हो गए। इस जन्म में बहुत सी चीज़ें जो पिछले जन्म में मैंने बहुत खाई और पी है वो सब छोड़, जैसे वर्णन है कि देवी को श्रीखंड बहुत पसंद है, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और पूरन पोड़ी पसंद है, बिल्कुल नहीं खाती हूँ, और दूध बिल्कुल नहीं पीती हूँ। सब चीज़ें जो होती थी सब छोड़ दी, क्योंकि उस जन्म में कर लिया, अब इस जन्म में क्या खाने, अब इस जन्म में भूतों के खाने के लिए इतने हैं कि मेरे पास पेट में जगह ही नहीं रहती और कुछ खाने के लिए। आप लोगों से मिलकर बहुत आनंद हुआ, जैसे बहुत बिछड़े हुए मेरे सब कुछ मिल गए। इस कलकत्ता में एक बार जागृति आ जाएगी तो आप देखेंगे कि यहीं पर सब चीज़ अत्यंत सुंदर हो सकती है और वो होनी चाहिए। परमात्मा लालायक है आपको आशीर्वादित करने के लिए, सिर्फ आप इसे झेल सके इतनी ही बात है। तो मेरी कोई बात का बुरा नहीं माना, जो बात मैं कह रही हूँ कुछ सत्य है वही कह रही, उसको स्वीकार करना चाहिए। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। जोत
चरण चढ़ाओ रे मेहंदी माँ के चरण चढ़ाओ रे नव दुर्गा की ज्योत जगाओ रे नव जयकार लगाओ रे।